नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक की एक और सराहनीय पहल के चलते गुना में बनाया गया खोया पाया विभाग। अब अगर किसी का मोबाइल गुम हो जाए तो नज़दीकी पुलिस थाने या साइबर सेल में तुरंत संपर्क कर शिकायत दर्ज कराएं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने आज 20 आवेदकों को बुलाकर उनके गुम हुए मोबाइल बरामद कर वापस दिए। दरअसल शिकायतकर्ताओं द्वारा मोबाइल फ़ोन गुम होने की शिकायतों को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित कर उन्हें गुम हुए मोबाइलों को खोजने का निर्देश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गुम हुए 20 मोबाइलों को बरामद कर फरियादियों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलाकर उन्हें मोबाइल सौंपे गए। तो बहुत है, मेरा मोबाइल मिला मुझे। ये पुलिस को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा है। ये मेरा दूसरा मोबाइल खोया था और आज मुझे ये मिला है। फर्स्ट तो मिला नहीं था, मगर ये सेकंड मोबाइल मिला, मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए। मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों ने एक्चुअली इसके ऊपर एक नया सिस्टम स्टार्ट करवाया है कि हमारे एक साइबर सेल में एक खोया पाया केंद्र टाइप का हम लोग स्टार्ट करवा रहे हैं, जिसके अंदर अगर किसी का भी मोबाइल कहीं पे गिर जाता है, कभी कहीं खो जाता है, गलतीवश भूलवश कहीं पे रह जाता है और वो उसको नहीं मिलता है, तो उसकी कंप्लेंट जो है वो अपने नज़दीकी थाने में कर दे या इवन वो एसपी ऑफिस में, यहाँ पे एसपी ऑफिस में आके साइबर सेल के लिए भी आवेदन दे सकता है। वो सारे आवेदन जो है वो हम लोग अपने एक प्रॉपर कॉग्निजेंस में ले लेंगे और वो मोबाइल भी हम लोग उनको ट्रेस करके देंगे। जैसे उनका अगर मोबाइल चालू होता है तो वो हम लोग ट्रेस करके और वो मोबाइल उनको अवेलेबल करवा के देंगे। आज हम लोगों ने इसमें ये किया था कि पिछले 3-4 महीने का हम लोगों ने डेटा निकाला था, उसमें जहाँ जहाँ पे जो जो मोबाइल चल रहे थे उनको हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन में ट्रेस करवाए। कुल मिला के 20 मोबाइल जो है वो हमारे ट्रेस हो गए हैं, जो हम लोगों ने अभी प्राप्त कर लिए है, और वो सभी मोबाइल जो है वो हम लोगों ने उनके फरियादियों को बुला के और उनको हैंडओवर भी करवाया। गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।